हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी डू ऑल द फार्मूले ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सो लेट अस बिगिन विद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है? LFT, L फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to ∞ e to the power -st f(t) dt। और इस इंटीग्रल को इवेल्युएट किया जाए तो ये फंक्शन ऑफ s आता है। ये कैपिटल F तो उसे स्मॉल f लिख दिया, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ s आता है। इसका फार्मूला देखा जाए, इसका फर्स्ट फार्मूला L1 = 1/s। सेकेंड नंबर का फार्मूला है L(t^n), दिस इज इक्वल टू γ(n+1)/(s^n+1)। अब ये जो γ(n+1) दिखता है ये फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। अगर n होल नंबर है तो ये फैक्टोरियल n के इक्वल होता है, लेकिन n फ्रैक्शन एट्सेट्रा है तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह मिलती है। हम थोड़ा सा आपको गामा फंक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं। जो यूलर नाम का मैथमेटिशियन था तो उन्होंने इस गामा फंक्शन को डिफाइन किया। तो गामा फंक्शन इस इंटीग्रल को कहते हैं 0 to ∞ x^(n−1)(e^(-x)dx, दिस इज डिफाइंड एज γ(n)। और जब इसकी वैल्यूज स्टडी की जाती हैं तो गामा हाफ की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई आ जाती है और गामा 3/2 की वैल्यू ऐसे निकलती है। 3/2 में से 1 माइनस कर दें, 1/2, देन रूट पाई। अब गामा 5/2 डिस्कस करना है, गामा 5/2 होगा, 5/2 में से 1 लेस कर दो तो 3/2 और फिर 1 लेस कर दो तो 1/2, देन रूट पाई, एंडिंग विल बी एट रूट पाई। जैसे कि गामा 7/2 आपको डिस्कस करना है तो 7/2 - 1 वो आ जाएगा आपका 5/2 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 1 तो 3/2 1/2 √π एट्सेट्रा। दिस वे गामा फंक्शन इज इवेल्युएटेड। तो लेट अस गो टू फार्मूला नंबर 3 नाउ। L(e^(at) इज 1/(s−a), a इज सम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल L(e^(5t), तो आंसर विल बी 1/(s−5)। सो गो टू फार्मूला नंबर 4 नाउ। L(sin(at) इज इक्वल टू a/(s²)+a²। यहीं पर हम आपको याद दिला दें कि अगर इसमें आपने साइन हाइपरबोलिक एटी कर दिया तो इसके आंसर पे बिल्कुल माइनर सा फर्क आता है s², a²। बीच में जहां पर आपने ऑब्जर्व किया ना, यहाँ प्लस साइन, वो यहाँ माइनस हो जाता है, यही नोटिस में रखना है। L cos AT का फार्मूला है s/(s²)+a²। L sin AT के फार्मूले में a/(s²)+s²। ऑब्जर्व करें यहाँ पर L sin AT इज a/(s²)+a², L cos AT इज s/(s²)+a²। L cos hyperbolic AT इज इक्वल टू s, डिनोमिनेटर सेम एज इन अर्लियर केस, ओनली थिंग दिस प्लस विल बी माइनस हियर। ऑब्जर्व इन बोथ हाइपरबोलिक फार्मूले, वेदर इट इज साइन हाइपरबोलिक एटी और इट इज कॉस हाइपरबोलिक एटी, इन बोथ हाइपरबोलिक फार्मूले यू हैव माइनस साइन इन द डिनोमिनेटर एंड विदाउट हाइपरबोलिक यू हैव प्लस साइन इन डिनोमिनेटर,
and all formulae are very important with the point of view of examination. So you please remember them. So let us go to some more formulae. तो अब यहाँ पर फार्मूला नंबर 8 जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस्ड फार्मूले हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन शॉर्टकट FST। ये शिफ्टिंग थ्योरम्स दो होती हैं, FST और दूसरी है SST। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फार्मूला जो होता है उसका मैं आपको यूज सिखाता हूँ। इसका यूज कुछ ऐसा होता है, जैसे L साइन AT की वैल्यू आपने याद की हुई है, A/S² + A² तो ये जो शिफ्टिंग थ्योरम है ये लेफ्ट हैंड साइड में e^(BT) का मल्टीप्लाई अथोराइज करती है। बी कांस्टेंट है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बी एनी कांस्टेंट। तो ये e^(BT) का मल्टीप्लाई अथोराइज करती है। इसका रूल ये है कि अगर आपने किसी भी फार्मूले में लेफ्ट साइड में e^(BT) मल्टीप्लाई कर दिया तो फार्मूले की राइट साइड में s रिप्लेस्ड बाई s-b करना पड़ेगा। न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर में +a² सेम, लेकिन ये जो s आपको दिख रहा है ये s-b करना पड़ता है। यही आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का आउटकम है। स्टेटमेंट हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ विल बी गिवन सेपरेटली टू यू। यहाँ तो हमने सिर्फ फार्मूले का यूज बताना है। जैसे सपोज करो आपने याद कर रखा है cos hyperbolic AT की वैल्यू, सपोज करो याद कर ली, ऊपर से लिखी हुई है ऊपर s/s² - a² याद कर ली है। तो इसमें L e^BT cos hyperbolic AT आपने e^BT ये चीज़ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दी, पहले यहाँ मल्टीप्लाई की थी, तो इसका इफेक्ट ये है कि राइट साइड में s विल बी रिप्लेस्ड बाय s-b। ये वाला जो s दिखता है वो s-b बन जाएगा, डिनोमिनेटर वाला s s-b होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने यूज ऑफ FST आपको सिखाया। इन दिस मैनर ऑल द फार्मूले ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैन बी चेंज्ड। आपको एक और चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए। जैसे कि मान लो आपने लर्न किया हुआ है L e^AT और लर्न किया हुआ है 1/s-a। अब आप इसमें e^BT एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो हो सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, रिप्लेस s/s-b। किसी भी फार्मूले में, जैसे कि आपको एक और देख लीजिए, जैसे फार्मूला आपका L t^n वाला आपने याद कर लिया, γ(n+1)/s^n+1। अगर आपने लेफ्ट साइड में e^ मान लो at मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में इसका इफेक्ट जाएगा γ(n+1) नॉट चेंज, रिप्लेस s/s-a दिस टाइम s-a^(n+1)। इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का थोड़ा सा हमने आपको यूज सिखा दिया, प्रूफ एक्सेप्ट। इसमें अब हम आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थोड़ा सा सिखाते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ LFT इज इक्वल टू FS एंड GT इज इक्वल टू f(t-a) फॉर t>a, 0 फॉर t < a, देन
this happens, LGT is equal to e to the power minus as into fs. ये उसकी स्टेटमेंट है और यूज करते टाइम याद करने का तरीका थोड़ा सा मैं डिफरेंट भी बता सकता हूँ. जैसे जी टी इज एफ ऑफ टी माइनस ए और ये हमारा रिजल्ट है, तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हो. डायरेक्ट याद करो और यूज करो. एल जी टी का मतलब है एल एफ टी माइनस ए, इसकी जो मेन ब्रांच है वो एफ ऑफ टी माइनस ए है. तो जी टी को हम एफ ऑफ टी माइनस ए लिख देते हैं. राइट साइड ई टू द पावर माइनस ए एस टी का और एफ एस को एल एफ टी लिख देते हैं. और टी ग्रेटर देन ए के लिए ये वैलिड है. तो ये जो लाइन है वो याद करने में काफ़ी आसान है. वन कैन रिमेंबर दिस इजली. एल एफ टी माइनस ए इज इक्वल टू एल एफ टी. ध्यान से देखो, एल एफ टी माइनस ए इज एल एफ टी. ई टू द पावर माइनस ए एस इज मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा. एल एफ टी माइनस ए इज एल एफ टी. ई टू द पावर माइनस ए एस इज मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर. एंड रिमेंबर यूज हियर वी डिस्कस ओनली फार्मूले. सो वी गो टू फार्मूला नंबर 10, जिसमें हम आपको बताते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ये जो चेंज ऑफ स्केल, ये स्टैटिस्टिकल टर्म है. किसी डाटा एक्स में अगर ए मल्टीप्लाई कर दें तो कहते हैं चेंज ऑफ स्केल हो गया. तो ये चेंज ऑफ स्केल पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है. प्रॉपर्टी ये है, इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ एफ टी रिप्लेस्ड बाई ए टी. यही चेंज ऑफ स्केल हो गया. आपने टी को जो ए टी कर दिया ना, तो इसी को चेंज ऑफ स्केल कहते हैं. और इस वजह से इस प्रॉपर्टी को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं. तो लेफ्ट साइड में आपने क्या किया, टी में ए मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड में क्या करूं, इस एस में ए का डिवीजन लगाएं और फिर एस बाई ए का डेरिवेटिव की तरह याद कर सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ एस बाई ए वन बाई ए, दैट इज मल्टीप्लाइड हियर. ये हमने याद करने का थोड़ा तरीका बताया. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यही है, एल एफ ए टी इज एफ ऑफ एस बाई ए इंटू वन बाई ए. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का प्रूफ किसी और वीडियो में, फिलहाल तो फार्मूले ओनली. सो वन मोर फार्मूला, एल एफ डैश टी, ये डैश फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी. ये होता है एस एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो. एक्चुअली देर आर सेवरल सच फार्मूले ऑन बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, बट दिस द मोस्ट यूजफुल फार्मूला. सो वन हैज टू रिमेंबर द फार्मूला. सो गो टू 12 नंबर. द फार्मूला इज दिस. ये फार्मूला आपके इंटीग्रल को चेंज करता है. फाइनाइट इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी और इसका जो रिजल्ट है कुछ नहीं, एल एफ टी है. सीधा सीधा आप एल एफ टी सीधा सीधा याद करें. और थोड़ी सी फाइन पेनल्टी वो है 1/s की. आपने इंटीग्रल साइन रिमूव किया तो इंटीग्रल साइन रिमूव करने की पेनल्टी है 1/s. तो उस 1/s को पेनल्टी की तरह यूज करें. 0 टू t इंटीग्रल है, तो आपका आंसर सीधा एल एफ टी मल्टीप्लाइड बाय 1/s. इस तरह से आप याद करिए, ठीक है. सो लेट अस गो टू 13 नंबर. नाउ दिस फार्मूला सेज एल ऑफ टी टाइम्स एफ टी. कभी किसी फंक्शन ऑफ टी में टी मल्टीप्लाइड है और आप टैकल करना चाहते हो, तो टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस डी बाय डी एस. आप टी को डी बाय डी एस कर देना. जैसे उस इंटीग्रल 0 टू टी को रिमूव किया तो क्या किया, 1/s किया. इसी तरह टी का रिमूव करोगे तो माइनस डी बाय डी एस आएगा, अंदर आ जाएगा एल एफ टी.
LFT, T replaced by minus D by DS. 14 number ka formula L, T square FT. This can be remembered in this manner, D square DS square. वो माइनस वन दिखता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, इसमें माइनस नहीं होता। और आगे एल एफ टी सेम थिंग, इसमें एल एफ टी हो गया और टी स्क्वायर रिप्लेस बाई डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, नो नेगेटिव साइन। लेकिन अगर ये टी क्यूब हुआ तो माइनस साइन फिर आ जाएगा, ऑड वालों में माइनस साइन आ जाता है, माइनस डी थ्री बाय डी एस थ्री एल एफ टी, अगेन नेगेटिव साइन फिर आ जाएगा, और इवन पावर होगी तो पॉजिटिव साइन। और अगर हम इसको जनरल कर दें तो जनरलाइज्ड फार्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, एल टी टू द पावर एन एफ टी, जनरलाइज्ड फार्मूला विल बी लुकिंग लाइक माइनस वन की पावर एन डी एन डी एस एन एल एफ टी। इसमें आपको हमने क्या सिखा दिया कि रिमूवल ऑफ टी टी स्क्वायर टी क्यूब टी टू द पावर एन, कि रिमूवल ऑफ टी टी स्क्वायर टी क्यूब टी की पावर एन किस किस तरह करना है वो आपने लर्न कर लिया। और इसके पहले वाले में इंटीग्रल जीरो टू टी किस तरह रिमूव कर, जीरो टू टी के लिए आपको वन बाई एस की पेनल्टी पे करनी है। अब देखिए 17 नंबर का फार्मूला, इसमें हम आपको वन बाय टी का रिमूवल सिखाते हैं कि L के आगे अगर 1 बाय टी एफ टी लिखा हो तो 1 बाय टी रिमूव होकर के इंटीग्रल बन जाता है एस टू इन्फिनिटी, और एल एफ टी एज इट इज एल एफ टी डी एस, और कुछ नहीं करना। 1 बाय टी का इंटीग्रल, 1 बाय टी को रिमूव करोगे तो एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल बन जाएगा। आगे आपने 0 टू टी को रिमूव किया था, हम आपको याद दिला दें आपने पहले इंटीग्रल जीरो टू टी को रिमूव किया था, एफ टी डी टी था, तो उसमें पता क्या किया था, वन बाई एस, इंटीग्रल जीरो टू टी को रिमूव किया और इसकी पेनल्टी वन बाई एस पे की थी, और एल एफ टी एज इट इज बना रहा था। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करें, डोंट कन्फ्यूज वन विद अनदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट फार्मूला नंबर 18। सपोज आपके सामने कभी इस तरह का इंटीग्रल आ जाए जीरो टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस थ्री टी साइन टी डी टी, तो ये एल एफ टी है, ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, इसे हम रिकॉग्नाइज करना सिखा रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से कंपेरेबल है। कहने का मतलब जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से बिल्कुल कंपेरेबल है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो एल एफ टी है, एस इज थ्री देयर। बाकी क्वेश्चन कभी चांस मिला तो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करके फर्दर बताऊंगा। बाकी हमने ये ट्रांसलेशन सिखाया कि ये इंटीग्रल एल एफ टी में डायरेक्टली कन्वर्टेबल है। जैसे कि नेक्स्ट नंबर एक और बताता हूं, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फाइव टी एफ टी डी टी इट इज इक्वल टू एल एफ टी विद एस इक्वल टू फाइव। एल एफ टी है विद एस इक्वल टू फाइव है। और इसके बाद एक पॉइंट जो कि लास्ट, इस लास्ट पॉइंट नंबर 20 को और लर्न करिए, ये 20 फार्मूलों का सेट आपका इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इफ एफ टी इज पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शंस आपने लर्न किए होंगे विद पीरियड टी ग्रेटर देन जीरो, then LFT is given by the following. LFT का इंटीग्रल आपको याद है, LFT क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी
e to the power minus st f t dt। ये इंटीग्रल पीरियोडिक फंक्शन के केस में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। आपको यही चीज फिर रिपीट करनी है, केवल इस इन्फिनिटी को टी लिखना है, पीरियड लिखना है यहां पर कैपिटल टी। इंटीग्रांड विल रिमेन सेम, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एंड डिनोमिनेटर विल बी देयर, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी था उसके एक्सचेंज में डिनोमिनेटर में कुछ काम है, वो ये वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस इन टू टी। और इस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो डेली यूज में हैं वो कंप्लीट हुए। आपको वीडियो पसंद आया हो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस हमारी प्लेलिस्ट निकाल लेना, उसमें इसी तरह के वीडियो दूसरे भी मिल जाएंगी। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों से सब्सक्राइब करा दें तो आपका कोऑपरेशन समझूंगा मैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।